हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन न्यू वीडियो ऑफ जीएसटी। लास्ट सेशन हम लोग ने चालू किया था चैप्टर दैट इज द नेम बट प्लेस ऑफ सप्लाई, जहां पे हम लोग ने सेक्शन 12 का सीरीज बेटा कवर किया था। सेक्शन 12 के प्रोविजंस एप्लीकेबल कभी होंगे, सेक्शन 12 के प्रोविजंस एप्लीकेबल होने के लिए आपका जो सप्लायर है एज वेल एज रेसिपिएंट है दोनों भी इंडिया में होना चाहिए। अगर सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों भी इंडिया में है तो आपको प्लेस ऑफ सप्लाई कंप्यूट करना है सेक्शन 12 के हिसाब से। दोनों में से कोई भी एक, आइदर सप्लायर या रेसिपिएंट, दोनों में से कोई भी एक अगर आउटसाइड इंडिया होगा तो आपको सेक्शन 13 के प्रोविजंस लगाना है और सेक्शन 13 के हिसाब से निकलेगा। तो सेक्शन 12 में हम लोग ने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सेक्शन 12 सबसेक्शन 10 तक लास्ट लेक्चर में कवर किया था। एक बार क्विकली मैं उसका रिकैप करवा देता हूँ। सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 आपका इंट्रोडक्टरी सेक्शन है, जहाँ पे आपको कहा जाता है कि अगर सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों भी इंडिया में है तो वो केसेस में आपका प्लेस ऑफ सप्लाई सेक्शन 12 के हिसाब से कंप्यूट किया जाएगा। फिर सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 दैट इज अ रेसिडुअल प्रोविजंस है, जहाँ पे आप सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 से लेके सेक्शन 12 सबसेक्शन 14 तक अगर प्लेस ऑफ सप्लाई कंप्यूट नहीं कर पा रहे हो, मतलब स्पेसिफिक प्रोविजन से अगर आप प्लेस ऑफ सप्लाई कंप्यूट नहीं कर पा रहे हो तो आपको जनरल प्रोविजन दैट इज सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 के हिसाब से प्लेस ऑफ सप्लाई कंप्यूट करना है। नाउ सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 क्या बोलता है? सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 दैट इज नथिंग बट अगर आपने कोई भी पर्टिकुलर सर्विसेस रजिस्टर्ड पर्सन को प्रोवाइड किया तो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई होगा रजिस्टर्ड पर्सन। जैसे मैंने अपना सीए का एग्जांपल लिया था, इफ यू रिमेंबर। और अगर मान लो आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन को प्रोवाइड किया है तो उसके केसेस में दो केस है। जो अनरजिस्टर्ड पर्सन को आपने सर्विसेज प्रोवाइड किया उसका प्लेस ऑफ बिजनेस, मतलब उसका परमानेंट एड्रेस, उसका जो भी एड्रेस है आपके एड्रेस के हिसाब से अवेलेबल है क्या, मतलब उसका जो भी फिक्स क्लाइंट्स रहेंगे मान लो, तो फिक्स क्लाइंट्स का आपके पास आपके रिकॉर्ड्स में भी एड्रेस अवेलेबल होगा। तो अगर आपके रिकॉर्ड्स में उसका एड्रेस अवेलेबल है तो गवर्नमेंट कहते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई वो एड्रेस माना जाएगा। लेकिन अगर एड्रेस अवेलेबल नहीं है तो वो केसेस में प्लेस ऑफ सप्लाई होगा आपका दैट इज रिपोर्ट लोकेशन ऑफ सप्लायर, मतलब जहां पे मेरा ऑफिस है या जहां से मैंने वो सर्विसेज प्रोवाइड की है वो आपका बाय डिफॉल्ट प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। तो ये था अपना सेक्शन 12 सबसेक्शन 2। फिर नेक्स्ट था सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 दैट इज रिपोर्ट प्रोविजंस इन रिलेशन टू इमोबल प्रॉपर्टी। इमोबल प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई भी सर्विसेज हो, जैसे मैंने बोला था इंटीरियर डिजाइन, आर्किटेक्ट, सर्वेयर फीस, या तो फिर नॉर्मली रेंटिंग ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी, देन अपना लॉजिंग होटल्स वाला सर्विसेज, उसके केसेस में प्लेस ऑफ सप्लाई था दैट इज नथिंग बट प्लेस वेयर द सच इमोबल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड। लेकिन अगर वही प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया होगा तो फिर वो केसेस में प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। ये आपका प्रोविजन था सेक्शन 12 सबसेक्शन 3। फिर सेक्शन 12 सबसेक्शन 4 की अगर मैं बात करूं तो नॉर्मली कुछ परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज थे। परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज में इफ यू रिमेंबर अपना कोडवर्ड था प्रियंका चोपड़ा का बॉयफ्रेंड ऋतिक रोशन, दैट इज PCBFHR। PCBFHR मतलब पी सर्विसेज था पर्सनल ग्रूमिंग, सी सर्विसेज था दैट इज नथिंग बट कैटरिंग, देन बी दैट इज नथिंग बट ब्यूटी ट्रीटमेंट, एफ सर्विसेज था अपना दैट इज नथिंग बट फिटनेस सर्विसेज, फिर उसके बाद में एच दैट इज नथिंग बट हेल्थ केयर सर्विसेज था, और आर दैट इज नथिंग बट रेस्टोरेंट सर्विसेज था। तो उसके केसेस में प्लेस ऑफ सप्लाई था अपना दैट इज नथिंग बट सर्विसेज वेयर सच एक्चुअली सर्विसेज आर परफॉर्म, मतलब प्लेस वेयर द सच सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म। फिर उसके बाद में नेक्स्ट सेक्शन था दैट इज सेक्शन 12 सबसेक्शन 5 दैट इज नथिंग बट ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विसेज, मतलब आपने कोई जीएसटी ट्रेनिंग की सर्विसेज प्रोवाइड की है या एचआर रिलेटेड परफॉर्मेंस अप्रेजल की सर्विसेज दी है तो उसमें अपना प्लेस ऑफ सप्लाई था दैट इज नथिंग बट अगर रजिस्टर्ड पर्सन को प्रोवाइड किया तो लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, और अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को प्रोवाइड किया तो प्लेस वेयर सच सर्विसेज एक्चुअली प्रोवाइडेड वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। फिर नेक्स्ट था सेक्शन 12 सबसेक्शन 6 दैट इज नथिंग बट एडमिशन टू इवेंट, एडमिशन टू आर्टिस्टिक या तो फिर कल्चरल या तो फिर स्पोर्ट्स इवेंट या तो फिर अम्यूजमेंट पार्क, तो इसके केसेस में प्लेस ऑफ सप्लाई था अपना बेटा जहां पे वो पर्टिकुलर इवेंट हो रहा है, जैसे मैंने आईपीएल का एग्जांपल दिया था, या तो फिर जहां पे आपका अम्यूजमेंट पार्क लोकेटेड है जैसे मैंने वाटर किंगडम या तो फिर इमेजिका का एग्जांपल दिया था। फिर नेक्स्ट सर्विस आता है सेक्शन 12 सबसेक्शन 7 दैट इज नथिंग बट इवेंट ऑर्गेनाइजिंग सर्विसेज, अगर कोई भी आप इवेंट ऑर्गेनाइजिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो तो वो इवेंट ऑर्गेनाइजिंग सर्विसेज अगर इंडिया में इवेंट होने वाला है तो फिर वो केसेस में होगा प्लेस वेयर द सच इवेंट इज हेल्ड। लेकिन अगर वो इवेंट ऑर्गेनाइजिंग सर्विसेज आउटसाइड इंडिया है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट देखा जाएगा। तो ये इवेंट ऑर्गेनाइजिंग के लिए था। फिर इसके बाद में नेक्स्ट था दैट इज नथिंग बट सेक्शन 12 सबसेक्शन 8 दैट इज नथिंग बट सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। तो सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स अगर रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विसेज प्रोवाइड किया रहेगा तो लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, और अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को प्रोवाइड किया रहेगा तो प्लेस वेयर सच गुड्स आर हैंडओवर फॉर ट्रांसपोर्टेशन, जहां पे आपको वो गुड्स दिए गए फॉर ट्रांसपोर्टेशन पर्पस के लिए वो आपका क्या माना जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। फिर नेक्स्ट था सेक्शन 12 सबसेक्शन 9 दैट इज नथिंग बट प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ पैसेंजर्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज,
तो ऐसे केसेस में अगेन रजिस्टर्ड पर्सन को प्रोवाइड किया रहेगा तो लोकेशन रजिस्टर्ड पर्सन, और अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को प्रोवाइड किया रहेगा तो प्लेस वेयर द सच पैसेंजर्स एम्बार्क, मतलब जहां पे वो पैसेंजर्स चढ़े एम्बार्क हुआ ऑन दैट कन्वेंस फॉर द कंटिन्यू जर्नी, वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है सेक्शन 12 सबसेक्शन 10, दैट इज नथिंग बट सर्विसेज प्रोवाइडेड ऑन बोर्ड, मतलब कन्वेंस फ्लाइट के ऊपर फ्लाइट के अंदर जो तुम लोग को सर्विसेज प्रोवाइड किए तो उसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, तो उसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई था बेटा अपना फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर, मतलब एग्जैक्टली वो पर्टिकुलर पैसेंजर्स फर्स्ट फ्लाइट में नॉर्मली कहाँ से चढ़े, जैसे मैंने बोला था दिल्ली टू मुंबई, मुंबई टू चेन्नई, ऐसा फ्लाइट जा रहा है एग्जाम्पल, तो फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर कहाँ से होगा तुम लोग का, दिल्ली, तो दिल्ली आपका प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। फिर नेक्स्ट था अपना सेक्शन 12 सबसेक्शन 10, अच्छा यहाँ तक हम लोग ने किया था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फिर नाउ ऑनवर्ड्स हम लोग अभी सेक्शन 12 क्लॉज 11 पे जा रहे हैं, मतलब सेक्शन 12 सबसेक्शन 11 से हम लोग सर्विसेस ये पर्टिकुलर टॉपिक में कवर करें। तो देखो बेटा सेक्शन 12 सबसेक्शन 11 दैट इज पॉस इन केस ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेस, मतलब टेलीफोन रिलेटेड अगर सर्विसेज आप यूज करते हो तो उसके केसेस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, अगेन जो पर्सन सर्विसेज यूज कर रहा वो भी इंडिया का है एंड जो टेलीकॉम कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है दैट इज सप्लायर, वो भी इंडिया का है। तो वो केसेस में अगर आपके यहाँ पे लैंडलाइन है, आपके ऑफिस में लैंडलाइन है, आपके घर पे लैंडलाइन है, तो वो केसेस में दिस इज नथिंग बट फिक्स लाइन होगा उसके लिए, मतलब फिक्स कनेक्शंस होगा। अच्छा टेलीकम्युनिकेशन के अलावा इसमें ब्रॉडबैंड सर्विसेज भी आ सकता है या तो फिर D2H दैट इज डायरेक्ट टू होम, मतलब अपने यहाँ पे नॉर्मली जो इंटरनेट सर्विसेज हो गए या तो फिर अपने केबल टीवी के सर्विस हो गए वो भी यहाँ पे आ सकते हैं। तो अगर आपका फिक्स लाइन है, फिक्स लाइन के केसेस में नॉर्मली आपका टेलीकम्युनिकेशन जो आता ना लैंडलाइन नंबर जहाँ पे फिक्स लाइन इंस्टॉल होगा तो वो केसेस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, तो अगर मैंने बोला POS इज इक्वल टू प्लेस वेयर सच लाइन्स आर इंस्टॉल्ड, टू बी मोर प्रिसाइज सच फिक्स लाइन्स आर इंस्टॉल्ड, मतलब वो फिक्स लाइंस इंस्टॉल कहाँ पे हुए वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। जैसे एग्जांपल मान लो फॉर सपोज मैंने MTNL महानगर महाराष्ट्र टेलीफोन लिमिटेड से मान लो MTNL से सर्विसेज लिए, तो MTNL से जो सर्विसेज लिए अपना महाराष्ट्र के अंदर ही है, उनके पास से जो सर्विस ली है लेकिन मैंने अपना ऑफिस में फिक्स लाइन इंस्टॉल किया मान लो फॉर सपोज गुजरात में, एग्जांपल गुजरात में मैंने इंस्टॉल किया, तो मुझे बोला ना अगेन लोकेशन ऑफ सप्लायर दैट इज MTNL मतलब महाराष्ट्र, प्लेस ऑफ सप्लाई फिक्स लाइन इंस्टॉल कहाँ पे हुई आपका गुजरात, तो अगेन ये इंटर स्टेट सप्लाई होगा और उसके ऊपर क्या चार्ज होगा बेटा IGST चार्ज होगा। तो मतलब आपको ये देखना है कि फिक्स लाइन इंस्टॉल कहाँ पे हुआ है, फिक्स लाइन जहाँ पे इंस्टॉल हुआ रहेगा वो बाय डिफॉल्ट आपका प्लेस ऑफ सप्लाई आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आजकल लैंडलाइन ज्यादा कोई यूज नहीं करता, आजकल मोबाइल का जमाना है, तो मान लो मोबाइल में आपका पोस्टपेड कनेक्शन है, मतलब पोस्टपेड आप नॉर्मली बिल के हिसाब से पेमेंट कर रहे हो, तो पोस्टपेड कनेक्शन में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, जैसे एग्जांपल मान लो फॉर सपोज मैं वोडाफोन का पोस्टपेड यूजर हूँ, वोडाफोन कंपनी महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड एग्जांपल, मैं कार्ड यूज कर रहा हूँ मान लो फॉर सपोज अक्रॉस इंडिया, मतलब जहां पे भी मुझे जाना पड़ता है GST कंसल्टेंसी के लिए, तो मान लो दिल्ली भी जाता हूँ, बैंगलोर भी जाता हूँ, केरला भी जाता हूँ, बॉम्बे में भी हूँ, तो पूरे मंथ में बट अब वो कार्ड हर पर्टिकुलर स्टेट में यूज हो रहा है, तो वो केसेस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, तो गवर्नमेंट ने कहा ऐसे तो कार्ड कहाँ पे भी यूज हो सकता है, तो वो केसेस में प्लेस ऑफ सप्लाई जो मेरा बिलिंग एड्रेस होगा, बिलिंग एड्रेस वो बाय डिफॉल्ट प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। सो अगर पोस्टपेड कनेक्शन है तो वो केसेस में आपका प्लेस ऑफ सप्लाई होगा दैट इज नथिंग बट बिलिंग एड्रेस, जो भी कस्टमर का बिलिंग एड्रेस दिया था वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। तो मान लो फॉर सपोज मैंने वोडाफोन को अपना बॉम्बे का एड्रेस देके रखा है, तो देखो वोडाफोन सप्लायर भी महाराष्ट्र, मेरा बिलिंग एड्रेस भी महाराष्ट्र, फिर वो कार्ड कहाँ पे यूज हो रहा है वो मैटर नहीं करता, बिलिंग एड्रेस अगर आपका महाराष्ट्र है मतलब वो इंट्रा स्टेट सप्लाई मान के उसके ऊपर CGST और SGST चार्ज होगा। फिर अगर प्रीपेड है, प्रीपेड कनेक्शन, तो प्रीपेड कनेक्शन में आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, जैसे हम लोग को वो वाउचर्स मिलते हैं प्रीपेड कनेक्शन के जो वाउचर्स रहेंगे, तो वो वाउचर के केसेस में आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, तो गवर्नमेंट ने बोला जहां पे भी ये प्रीपेड वाउचर सेल किया रहेगा वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई है। तो अगेन प्रीपेड के केसेस में प्लेस ऑफ सप्लाई दैट इज नथिंग बट प्लेस वेयर सच प्रीपेड वाउचर्स सोल्ड, जहां पे भी आप वो वाउचर्स सेल करोगे वो आपका
बाय डिफॉल्ट प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। तो मान लो वोडाफोन कंपनी, उन्होंने अपने प्रीपेड के सपोज 5000 वाउचर्स किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूटर को बॉम्बे में ही बेचे, तो मुझे बोला बॉम्बे में बेचे, तो ये बेचा बॉम्बे में, वोडाफोन कंपनी भी महाराष्ट्र में, मतलब इंट्रा स्टेट सप्लाई होगा। अगर मान लो वोडाफोन कंपनी रजिस्टर्ड इन महाराष्ट्र, उन्होंने सपोज 10,000 प्रीपेड के जो वाउचर्स है वो सपोज किसी गुजरात के डिस्ट्रीब्यूटर को बेचे, तो सेल कहाँ पे हुआ? गुजरात, मतलब ये इंटर स्टेट सप्लाई होगा और उसके ऊपर बेटा क्या चार्ज होगा? IGST चार्ज होगा। लास्ट, हम लोग ऑनलाइन भी तो रिचार्ज करते हैं, ऑनलाइन में हम लोग नॉर्मल रिचार्ज कर सकते हैं, प्रीपेड कनेक्शन का रिचार्ज कर सकते हैं, तो वो केसेस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? क्योंकि ऑनलाइन के केसेस में तो मैं कहां से भी 24/7 कौन से भी प्लेस से, दुनिया के किसी भी कोने से मैं रिचार्ज कर सकता हूं। तो गवर्नमेंट ने कहा उसके लिए आपका मोबाइल से यूज करो तो मोबाइल का आईपी एड्रेस होगा, आईपी एड्रेस बाय डिफॉल्ट वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई मान जाएगा। तो प्रीपेड सोल्ड थ्रू इंटरनेट, इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई That is nothing but IP address, that is internet protocol. IP address जो होगा वो आपका by default क्या मान जाएगा बेटा? That is nothing but place of supply होगा। So simple था और logical भी था। मैं फिर से बोलता देता हूँ, telecommunication के cases में अगर मान लो fixed line install है तो place of supply होगा place where such fixed lines are installed। अगर टेलीफोन के केसेस में मान लो पोस्टपेड कनेक्शंस है तो वो केसेस में उसका जो बिलिंग एड्रेस होगा कस्टमर का बाय डिफॉल्ट वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। अगर मान लो प्रीपेड कनेक्शन है तो हम लोग ये देखेंगे कि वो प्रीपेड कनेक्शन सेल कहाँ पे हुआ है, बाय डिफॉल्ट वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। और आपने अगर कोई भी रिचार्ज ऑनलाइन किया रहेगा तो ऑनलाइन के केसेस में उसका जो आईपी एड्रेस रहेगा वो बाय डिफॉल्ट आपका प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। सो वेरी इजी, यहाँ पे नॉर्मली अगर क्वेश्चन बनता तो भी आपको इजीली सॉल्व करना आना चाहिए। प्लीज कॉपी दिस प्रोविजंस। बट ऑन दिस कंसेप्ट थोड़े बहुत प्रैक्टिकल्स एक दो क्वेश्चंस करते तो थोड़ा बहुत बेटर क्लैरिटी रहेगा। लुक एट द क्वेश्चन नंबर 20 इन योर शीट। क्वेश्चन नंबर 20, दैट इज मिस्टर एक्स ऑफ कोलकाता गेट्स अ लैंडलाइन फोन इंस्टॉल एट इज होम फ्रॉम एयरटेल लिमिटेड, द प्लेस ऑफ सप्लाई इज अ लोकेशन। जरा मुझे बोला ना इसके केसेस में, एक्स कोलकाता गेट्स लैंडलाइन फोन इंस्टॉल एट इज होम। तो देखो लैंडलाइन फोन इंस्टॉल किया मतलब फिक्स लाइन इंस्टॉल होगा, तो फिक्स लाइन के केसेस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? वेयर द सच लाइन आर इंस्टॉल। तो ये कहाँ पे रह रहा है तुम लोग का? कोलकाता। तो बेटा बस इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई भी बेटा क्या हो जाएगा? कोलकाता हो जाएगा। सिंपल था। देन नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 21, मिस्टर एक्स रेसिडेंट ऑफ बैंगलोर टेक्स अ पोस्टपेड मोबाइल कनेक्शन फ्रॉम वोडाफोन लिमिटेड अ कंपनी बेस्ड आउट ऑफ न्यू दिल्ली, ही यूजेस द मोबाइल फॉर हिज ट्रैवल थ्रू आउट द इंडिया। तो वो केसेस में जरा मुझे बोला रेसिडेंट ऑफ बैंगलोर, तो उसका बिलिंग एड्रेस भी क्या होगा बेटा? बैंगलोर का ही होगा। तो बिलिंग एड्रेस बैंगलोर का है, पोस्टपेड कनेक्शन में हम लोग नॉर्मली बिलिंग एड्रेस ही देखते हैं। तो अगेन कंपनी कहाँ का है तुम लोग का? बैंगलोर। देन बिलिंग एड्रेस भी उसका बैंगलोर, सॉरी कंपनी कहाँ का है? वोडाफोन कंपनी कहाँ का है तुम लोग का? न्यू दिल्ली। एंड प्लेस ऑफ सप्लाई जो होगा दैट इज नथिंग बट एज पर दी एड्रेस अवेलेबल, तो एड्रेस अवेलेबल कहाँ होगा तुम लोग का? बैंगलोर। सो इसमें अगर मैं कनेक्शन यूज करूँ दैट इज लोकेशन ऑफ सप्लायर दैट इज न्यू दिल्ली, वोडाफोन कंपनी न्यू दिल्ली की है, प्लेस ऑफ सप्लाई दैट इज बिलिंग एड्रेस दैट इज बैंगलोर, नेचर बोलो बेटा इसमें नेचर क्या होगा? इंट्रा होगा या इंटर होगा? द आंसर इज इंटर स्टेट होगा। और टैक्स कौन सा चार्ज होगा? दैट इज नथिंग बट IGST। सो आपको ये याद रखना है, ऐसा मतलब दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर क्वेश्चन नंबर 21 था। फिर क्वेश्चन नंबर 22 अगर देखोगे तो मिस्टर एक्स ऑफ पुणे परचेसेस अ प्रीपेड कार्ड फ्रॉम अ सेलिंग एजेंट इन मुंबई, तो मुंबई के पास से आपने प्रीपेड कनेक्शन ये किया, तो अगेन बोला ना ये प्रीपेड के केसेस में प्रीपेड वाउचर जहाँ पे सेल हुआ, तो ये सेल कहाँ पे हुआ है तुम लोग का? दैट इज मुंबई। तो अगेन प्लेस ऑफ सप्लाई भी बेटा क्या होगा? मुंबई। तो अगेन सेलिंग वाउचर्स मुंबई वाला है, देन अगेन सप्लायर भी मुंबई का है, प्लेस ऑफ सप्लाई भी मुंबई का है, मतलब ये इंट्रा स्टेट सप्लाई होगा और इंट्रा स्टेट सप्लाई के हिसाब से इसके ऊपर CGST एंड SGST चार्ज होगा। तो सिंपल था। अगेन अरे पे टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज में आपका अगर फिक्स लाइन इंस्टॉल है तो फिर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? प्लेस वेयर द सच फिक्स लाइन्स आर इंस्टॉल। अगर मान लो पोस्टपेड कनेक्शन है तो बिलिंग एड्रेस, प्रीपेड रहेगा तो जहाँ पे प्रीपेड वाउचर सेल किया, और अगर ऑनलाइन रिचार्ज होगा तो बेटा बस आपका IP एड्रेस कहा जाएगा। ये समझा? फिर नेक्स्ट जाते हैं, दैट इज नथिंग बट सेक्शन 12 सब सेक्शन 12 के ऊपर। चलो नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन 12 सब सेक्शन 12, POS इन केस ऑफ फाइनेंशियल एंड स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज, मतलब बैंक के पास से आपको सर्विसेज मिलती है। इफ यू रिमेंबर बेटा हम लोग ने एग्जेम्पशन पढ़ा था, एग्जेम्पशन चैप्टर, एग्जेम्पशन में बैंकिंग के रिलेटेड कौन से सर्विसेज एग्जेम्प्ट होते हैं? दैट इज एक इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट, ऐसे कुछ अगर सर्विसेज हो गए बैंकिंग के रिलेटेड तो वो एग्जेम्प्ट होते हैं।
इसके अलावा अगर बैंक कोई भी आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं लाइक फीस चार्जेस कमीशन, जैसे आप डीडी बना रहे हो तो बैंक में से डीडी बना रहे हो तो आपको डीडी कमीशन पे करना पड़ता है, फिर उसके बाद में हम लोग को चेकबुक इश्यूएंस चार्जेस बैंक चार्ज करती है, या तो फिर डेबिट कार्ड इश्यूएंस चार्जेस, पासबुक अपडेशन चार्जेस, ऐसे कुछ नॉर्मल चार्जेस चार्ज करते हैं, तो उसके इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। तो अगर बैंक ने रेगुलर कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड की है तो कहने से आपने जब भी बैंक में अकाउंट ओपन किया तभी आपने सब कुछ अपना केवाईसी डिटेल दैट इज नो योर क्लाइंट डिटेल्स दैट इज आपका सब कुछ एड्रेस और आईडी प्रूफ बैंक के पास रिकॉर्ड्स में अवेलेबल रहेगा। तो वो केसेस में अगर सर्विसेज प्रोवाइड किया बैंक ने या स्टॉक ब्रोकिंग, स्टॉक ब्रोकिंग मतलब जैसे अपना जो एंजल ब्रोकिंग फर्म्स हो गए, मतलब जो सब ब्रोकर्स होते हैं स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं जैसे मोतीलाल ओसवाल हो गया, एंजल ब्रोकिंग हो गया, जो ब्रोकर्स होते हैं बीएससी एनएससी में रजिस्टर्ड होते हैं वो, तो अगर एड्रेस अवेलेबल है इनके पास रिकॉर्ड्स में तो वो केसेस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, दैट इज नथिंग बट प्लेस ऑफ सप्लाई होगा एड्रेस एज पर द रिकॉर्ड्स ऑफ सप्लायर। एड्रेस अवेलेबल है तो वही एड्रेस लेंगे ना, सो एड्रेस एज पर द रिकॉर्ड्स ऑफ सप्लायर, एज पर द रिकॉर्ड्स ऑफ सप्लायर। और अगर मान लो एड्रेस अवेलेबल नहीं है, मतलब एड्रेस उनके पास रिकॉर्ड में नहीं है, जैसे एग्जांपल मान लो फॉर सपोज मुझे डीडी बनाना है तो जरूरी थोड़ी ना जिस बैंक में अकाउंट है उसी बैंक से डीडी बना सकते हैं, और अभी किसी बैंक से आप डीडी बना सकते हो तो बैंक खाली आपको कमीशन चार्ज करेगी, लेकिन अभी कमीशन चार्ज करेगी तो वो केसेस में मेरा मान लो फॉर सपोज मेरा बैंक अकाउंट है सपोज अज्यूम करते हैं एक्सिस बैंक में, लेकिन मैंने डीडी बना मान लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मेरे पास मेरा बैंक अकाउंट ही नहीं है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वालों के पास मेरा एड्रेस भी अवेलेबल नहीं रहेगा, और डीडी बनाने के टाइम थोड़ी ना हम लोग को एड्रेस सब मेंशन करना पड़ता है, तो वो केसेस में क्या करेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, मतलब एड्रेस इज नॉट अवेलेबल एज पर द रिकॉर्ड्स ऑफ सप्लायर, तो वो केसेस में प्लेस ऑफ सप्लाई होगा दैट इज नथिंग बट लोकेशन ऑफ बैंक, दैट इज नथिंग बट लोकेशन ऑफ सप्लायर, जो भी सप्लायर का लोकेशन है वो बाय डिफॉल्ट आपका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा बेटा। सो अगेन अगर एड्रेस अवेलेबल है तो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा एड्रेस, और अगर एड्रेस अवेलेबल नहीं है तो वो केसेस में लोकेशन ऑफ सप्लायर जो है वो आपका बाय डिफॉल्ट प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। सो प्लीज कॉपी दिस प्रोविजन, फिर इसके ऊपर क्वेश्चन लिखते हैं। सो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 23 ऑन दिस कंसेप्ट, मिस्टर एक्स ऑफ चेन्नई हुज केवाईसी इज कंप्लीट buys shares from a broker in BSC, that is stock broker services, BSC Mumbai. तो देखो Mr. X of Chennai, whose KYC is complete, buys shares from the broker in BSC. तो BSC broker के पास से आपने normally KYC complete करवाया तो वो केसेस में, बट अब ऐसे KYC complete करते वक्त आपका address as per the records of broker क्या है, that is नहीं but Chennai. तो बोलो मुझे यहाँ पे location of supplier, लोकेशन ऑफ सप्लायर दैट इज ब्रोकर का एड्रेस आपको बोला हुआ है बीएससी दैट इज नथिंग बट मुंबई, सेकंड प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई दैट इज नथिंग बट एड्रेस अवेलेबल है एज पर द रिकॉर्ड्स ऑफ ब्रोकर दैट इज नथिंग बट चेन्नई। सो नेचर क्या होगा, नेचर होगा आपका इंटर स्टेट, और नेचर अगर इंटर स्टेट है तो जाहिर सी बात है टैक्स कौन सा चार्ज होगा बेटा, दैट इज नथिंग बट IGST, समझाइए। फिर उसके बेसिस के ऊपर ये दूसरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 24, मिस्टर एक्स ऑफ मुंबई हैज ओनली वन बैंक अकाउंट विद ICICI बैंक एंड ही गोज टू HDFC बैंक इन बैंगलोर वेयर ही डज नॉट हैव एनी अकाउंट टू टेक डिमांड ड्राफ्ट। तो बोलो ना मुझे वहां पे उसका बैंक अकाउंट नहीं है तो क्या HDFC बैंक वालों के पास मिस्टर एक्स का एड्रेस अवेलेबल होगा, द आंसर इज नो। तो वो केसेस में लोकेशन ऑफ सप्लायर भी HDFC बैंक है दैट इज नथिंग बट बैंगलोर, और प्लेस ऑफ सप्लाई भी बाय डिफॉल्ट लोकेशन ऑफ सप्लायर बन जाएगा दैट इज नथिंग बट बैंगलोर। तो बैंगलोर, बैंगलोर मतलब इंट्रा स्टेट सप्लाई होगा और उसके ऊपर क्या टैक्स चार्ज होगा बेटा, CGST एंड SGST। सो सिंपल था, अगर मान लो एड्रेस अवेलेबल है तो वो एड्रेस लेंगे, और एड्रेस अवेलेबल नहीं रहेगा तो जहां पे बैंक का लोकेशन है दैट इज नथिंग बट लोकेशन ऑफ सप्लायर, वो बाय डिफॉल्ट आपका प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। फिर नेक्स्ट जो सेक्शन है दैट इज सेक्शन 12 सब सेक्शन 13, चलो नेक्स्ट सेक्शन बेटा सेक्शन 12 सब सेक्शन 13। आई नो आपको बहुत सारे ऐसा लग रहा होगा कि बहुत सारे सेशन, बस सेकेंड लास्ट सेशन, इसके बाद में एक लास्ट सेशन है ऑफ सेक्शन 12 सीरीज का, सेशन 13 का है, 13 का नॉर्मली देखेंगे वो ज़्यादा करके 12 के ही ओवरलैपिंग होंगे। तो सेशन 12 सेक्शन 13 देखना बेटा, दैट इज नथिंग बट प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ इंश्योरेंस सर्विसेज। आपने अपने कभी ना कभी बाइक का इंश्योरेंस लिया होगा या कार का इंश्योरेंस लिया होगा,
या तो फिर अगर कुछ आपका बिजनेस होगा तो बिजनेस में आपने स्टॉक का इंश्योरेंस लिया होगा, तो इंश्योरेंस के केसेस में, बट अब प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, अगर सर्विसेज इंश्योरेंस कंपनी ने किसी रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस प्रोवाइड किया है, जैसे एग्जांपल मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को नेशनल इंश्योरेंस कंपनी ने सर्विस प्रोवाइड किया, उनका स्टॉक सब प्रोटेक्ट करना है, स्टॉक कहाँ पे लोकेटेड है सर, मान लो गुजरात, लेकिन रिलायंस कंपनी कहाँ पे रजिस्टर्ड है, बॉम्बे में, तो मुझे बता रजिस्टर्ड पर्सन को अगर हम लोग सर्विस प्रोवाइड करें रजिस्टर्ड पर्सन को, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, द प्लेस ऑफ सप्लाई होगा दैट इज एनी बट लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। कभी भी याद रखना, रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विसेज प्रोवाइड करोगे तो प्लेस ऑफ सप्लाई आपका बाय डिफॉल्ट लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन ही होगा। लेकिन अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, जैसे हम लोग बाइक का इंश्योरेंस लेंगे, हम लोग थोड़ी ना जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है, हम लोग मतलब आप लोग, तो आप लोग जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड नहीं हो, बाइक का इंश्योरेंस लिया है, तो मतलब अगर इंश्योरेंस कंपनी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस प्रोवाइड करिए तो वो केसेस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, सोचो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा तुम लोग का, लोकेशन ऑफ सप्लायर नहीं है बेटा यहाँ पे, लोकेशन ऑफ सप्लायर नहीं, इन्होंने क्या बोला कि जो एड्रेस अवेलेबल है एज पर द रिकॉर्ड्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनी वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। सो प्लेस ऑफ सप्लाई दैट इज नथिंग बट एड्रेस एज पर द रिकॉर्ड्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। जैसे मान लो फॉर सपोज मैंने ऑनलाइन इंश्योरेंस लिया, ऑनलाइन इंश्योरेंस कर लेते वक्त एड्रेस अपना फिल किया, सपोज एग्जाम्पल केरला का इंश्योरेंस कहाँ पे लिया, बॉम्बे में लिया, लेकिन मैंने एड्रेस मान लो मेरा केरला में भी घर है तो वहाँ का एड्रेस मैंने फिल किया है, तो ज़रा मुझे बनाओ फिर वो केसेस में केरला का घर का एड्रेस दिया तो, बट अब से महाराष्ट्र वाली इंश्योरेंस कंपनी केरला का एड्रेस मैंने दिया तो मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई केरला होगा, लोकेशन ऑफ सप्लायर महाराष्ट्र, तो ये इंटरस्टेट सप्लाई होगा और इसके ऊपर IGST चार्ज होगा। तो मतलब आपने एड्रेस क्या दिया वो देखना। अभी कुछ स्टूडेंट्स पूछेंगे सर एड्रेस ही नहीं दिया रहेगा, तो बेटा एड्रेस नहीं दिया रहेगा तो इंश्योरेंस निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि इंश्योरेंस निकालने के लिए आपको एड्रेस कंपलसरी देना ही पड़ेगा, RC बुक होता है वो सब होता है, तो एड्रेस जो दिया रहेगा आपने बाय डिफॉल्ट वही आपका क्या माना जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। सो प्लीज कॉपी दिस प्रोविजन, फिर उसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा इसके ऊपर, ये कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन नंबर 25 देखो। मिस्टर एक्स CFO ऑफ ABC लिमिटेड मुंबई, अ कंपनी रजिस्टर्ड इन महाराष्ट्र, बायस इंश्योरेंस कवर फॉर द इन्वेंटरी स्टोर्ड इन द कंपनीज फैक्ट्री लोकेटेड एट मुंबई फ्रॉम एक्सलेंट इंश्योरेंस दैट इज चेन्नई रजिस्टर्ड इन तमिलनाडु। तो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी रजिस्टर्ड कहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर 25 में प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ सप्लायर, लोकेशन ऑफ सप्लायर दैट इज इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी रजिस्टर्ड कहाँ पे बेटा, दैट इज तमिलनाडु। प्लेस ऑफ सप्लाई आपने जिसको सर्विस प्रोवाइड किया वो रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस प्रोवाइड किया, तो अभी हम लोग ने पढ़ा कि रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस प्रोवाइड किया रहेगा तो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा दैट इज एनी बट लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। तो लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन कहाँ पे बेटा आपका, दैट इज एनी बट महाराष्ट्र, मुंबई मतलब महाराष्ट्र होगा। सो अगेन तमिलनाडु महाराष्ट्र, मतलब इसका नेचर जो होगा वो इंटर स्टेट होगा, और इंटर स्टेट मतलब इसके ऊपर बेटा टैक्स कौन सा चार्ज होगा, दैट इज एनी बट IGST। ये क्वेश्चन नंबर 25 था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 देखना बेटा। मिस्टर एक्स अनरजिस्टर्ड रेसिडेंट ऑफ कोलकाता गोज टू हर नेटिव प्लेस पटना बिहार एंड बाइज अ मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर हर पेरेंट्स देयर फ्रॉम अ सेफ इंश्योरर्स पटना रजिस्टर्ड इन बिहार। तो अगेन लोकेशन ऑफ सप्लायर पटना है और एड्रेस आपने नेटिव से लिया तुम लोग का, तो बट अब ऐसे वहाँ पे आपने एड्रेस कौन सा दिया रहेगा तुम लोग ने, पटना का ही दिया रहेगा। सो अगेन पटना पटना मतलब ये इंट्रा स्टेट हो गया, और इंट्रा स्टेट मतलब इसके ऊपर कौन सा टैक्स चार्ज होगा बेटा, CGST एंड SGST चार्ज होगा। तो अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो हम लोग देखते हैं कि उसमें पॉलिसी लेते वक्त आपने एड्रेस कौन सा दिया, तो एड्रेस इन्होंने दिया था दैट इज एनी बट पटना का, सो बाय डिफॉल्ट प्लेस ऑफ सप्लाई भी पटना हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट सेक्शन दैट इज सेक्शन 12 सब सेक्शन 14, नेक्स्ट सेक्शन दैट इज सेक्शन 12 का लास्ट सीरीज वाला सेक्शन दैट इज सेक्शन 12 क्लॉज 14। अगर आपने एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज अगर गवर्नमेंट को प्रोवाइड किया है, सर गवर्नमेंट मतलब कौन सी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी या एनी स्टैचुटरी बॉडी को आपने अगर एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड किया, जैसे देखना अभी 2019 में इलेक्शन आएंगे तो हर जगह पे आपको होर्डिंग्स दिखेंगे, तो मान लो फॉर सपोज गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने मान लो फॉर सपोज जैसे एग्जांपल LPG गैस का आपने एडवर्टाइजमेंट बहुत जगह पे देखा रहेगा, तो मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये LPG गैस के होर्डिंग्स का एडवर्टाइजमेंट का सर्विसेज मान लो ब्राइट आउटडोर एड एजेंसी कंपनी उनको दिया हुआ है, और अलग अलग स्टेट में बट अब ऐसे अलग अलग होर्डिंग्स लगे हुए हैं, मान लो फॉर सपोज महाराष्ट्र स्टेट में 4 होर्डिंग्स है, फिर गुजरात स्टेट में सपोज 10 होर्डिंग्स है,
फिर कर्नाटका में वहाँ पे 15 होर्डिंग्स है, ऐसे अलग अलग स्टेट में अलग अलग होर्डिंग्स है, तो वो केसेस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? तो गवर्नमेंट ने क्या कहा कि प्लेस ऑफ सप्लाई हर एक स्टेट में जितने होर्डिंग्स रहेंगे तो हर एक स्टेट आपका प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। जैसे मान लो फॉर सपोज ब्राइट आउटडोर एजेंसी को, एड एजेंसी को गवर्नमेंट ने सपोज 50 लाख लमसम अमाउंट पे किया है फॉर एडवर्टाइजिंग ऑफ LPG गैस डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स। तो मान लो फॉर सपोज जैसे मैंने बोला महाराष्ट्र में आपके 4 होर्डिंग्स है, गुजरात में आपके 10 होर्डिंग्स है, कर्नाटका में आपके 15 होर्डिंग्स है, तो आपका जो कॉमन अमाउंट चार्ज हुआ है 50 लाख, दैट 50 लाख शुड बी अपोर्शन बिटवीन महाराष्ट्र, गुजरात एंड कर्नाटका ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ होर्डिंग्स। तो जितने आपके होर्डिंग्स रहेंगे वो होर्डिंग्स के बेसिस के ऊपर आपका अमाउंट जो है कंसीडरेशन का वो अपोर्शन किया जाएगा। तो मेरे एग्जाम्पल के हिसाब से 4 होर्डिंग्स इन महाराष्ट्र, जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिखता हूँ, आपने ब्राइट आउटडोर एड एजेंसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया था जिसमें आपने 50 लाख लमसम कंसेशन चार्ज किया, आपके महाराष्ट्र में होर्डिंग्स है मैंने एग्जांपल के हिसाब से 4, फिर गुजरात में होर्डिंग्स है मान लो फॉर सपोज 10 एंड बैंगलोर में होर्डिंग है मान लो 15 और ब्राइट आउटडोर एड एजेंसी कंपनी मान लो फॉर सपोज ये रजिस्टर्ड है महाराष्ट्र में, एड एजेंसी रजिस्टर्ड है महाराष्ट्र में, तो फिर वो केसेस में लोकेशन ऑफ सप्लायर तो महाराष्ट्र है। मेरा क्वेश्चन ये है प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, हर एक स्टेट में जहां जहां पे एडवर्टाइजमेंट होर्डिंग्स पब्लिश हुए हैं वो हर एक स्टेट आपका प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। बट द प्रॉब्लम इज अभी ये जो कॉमन अमाउंट है वो कॉमन अमाउंट हर एक स्टेट में अपोर्शन कैसे करोगे? तो गवर्नमेंट ने क्या कहा, कोई रीजनेबल बेसिस अपोर्शन दैट इज नंबर ऑफ होर्डिंग्स के हिसाब से किया जाएगा। तो टोटल होर्डिंग्स कितने हैं मेरे एग्जाम्पल के हिसाब से 14 और प्लस 15 मतलब 29 होर्डिंग्स है, तो आपका जो अमाउंट है 50 लाख का वो अपोर्शन किया जाएगा। जैसे यहाँ पे 50 लाख इंटू 4 डिवाइड बाई 29, यहाँ पे 50 लाख इंटू 10 डिवाइड बाई 29, यहाँ पे 50 लाख इंटू 15 डिवाइड बाई 29, तो ये रेशियो के हिसाब से अपोर्शन किया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल 50 इंटू 4 डिवाइड बाई 29 दैट कम्स टू 6.89 या राउंड ऑफ करता हूँ तो 6.90 लाख आएगा, 6.90 लाख। फिर 50 इंटू 10 डिवाइड बाई 29 दैट कम्स टू 17.24 लाख और 50 इंटू 15 डिवाइड बाई 29 दैट कम्स टू 25.86 लाख। तो ये आपने अपोर्शन किया टोटल कंसीडरेशन दैट इज 50 लाख को। और देखो महाराष्ट्र और सप्लायर भी महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र महाराष्ट्र मतलब ये नेचर होगा इंट्रा स्टेट। और अगर इंट्रा स्टेट है तो इसके ऊपर टैक्स जो चार्ज होगा बेटा दैट इज बट कौन सा टैक्स चार्ज होगा, CGST एंड SGST चार्ज होगा। सिमिलरली लोकेशन ऑफ सप्लायर महाराष्ट्र और प्लेस ऑफ सप्लाई आपका गुजरात, गुजरात में जो 10 होर्डिंग्स है उसका अमाउंट है 17.24, तो महाराष्ट्र और गुजरात मतलब ये नेचर होगा इंटर और इसके ऊपर टैक्स चार्ज होगा IGST। सिमिलरली महाराष्ट्र और बैंगलोर मतलब कर्नाटका, तो बैंगलोर कर्नाटका और महाराष्ट्र अगेन इंटर स्टेट और इंटर स्टेट मतलब ये अमाउंट के ऊपर IGST चार्ज होगा। सो मतलब इन शॉर्ट अगर आपने कोई भी गवर्नमेंट को सर्विस प्रोवाइड किया, ये सिर्फ गवर्नमेंट के लिए, बाकी नॉर्मल एड के लिए अलग से प्रोविजन है। तो अगर आपने कोई भी एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज गवर्नमेंट को प्रोवाइड किया रहेगा, दैट इज गवर्नमेंट कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी या स्टैट्यूटरी बॉडी, तो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा लोकेशन ऑफ ईच स्टेट और जो अमाउंट है दैट शुड बी अपोर्शन बिटवीन स्टेट। जो अमाउंट है आपको वो अपोर्शन करना पड़ेगा बिटवीन स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ होर्डिंग्स, तो होर्डिंग्स के बेसिस के ऊपर आपको अपोर्शन करना है, समझा? सो विद दिस इन्फॉर्मेशन अपना सेक्शन 12 क्लॉज 14 खत्म होता, मतलब अपनी 12 की सीरीज खत्म होती बेटा। नेक्स्ट सेक्शन 13 का सीरीज है, वेरी इजी है, सेक्शन 13 में ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा क्योंकि सेक्शन 12 हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा है, तो उसके ही सिमिलर प्रोविजन सेक्शन 13 में आएगा। बट बिफोर दैट जस्ट कॉपी दिस एग्जाम्पल्स एंड प्रोविजन्स, फिर 13 पे जाता है। नेक्स्ट सेक्शन 13 के केसेस में नॉर्मल सेक्शन 12 का भी एप्लीकेबल होता है बेटा, जब ये सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों भी इंडिया में रहेंगे तो आपका सेक्शन 12 के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे। और सेक्शन 13 देखो यहाँ पे मैंने लिखा है, सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 दैट इज इंट्रोडक्टरी सेक्शन अगर बात करूँ मैं, तो यहाँ पे सप्लायर या तो फिर रेसिपिएंट दोनों में से कोई भी एक आउटसाइड इंडिया होना चाहिए। अगर दोनों में से कोई भी एक आउटसाइड इंडिया होगा तो सेक्शन 13 के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे, अगर दोनों भी इंडिया में होंगे तो बट अब आपको सेक्शन 12 के प्रोविजन अप्लाई करने हैं। सर अगर दोनों आउटसाइड इंडिया रहेंगे तो बेटा फिर उसके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट GST क्यों लगाएगा? तो
तो दोनों में से कोई भी एक इंडिया में होना चाहिए तो सेक्शन 13, दोनों भी अगर इंडिया में है तो सेक्शन 12 के हिसाब से निकालना। तो सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 दैट इज इंट्रोडक्टरी सेक्शन था, सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 दैट इज एनी बट अपना जनरल प्रोविजन है। इसमें क्या बोलता है, अगर मान लो फॉर सपोज जहां पे सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 से लेके 13 तक, सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 से लेके सेक्शन 13 सबसेक्शन 13 दैट इज स्पेसिफिक प्रोविजन है, अगर स्पेसिफिक प्रोविजन के हिसाब से अगर आप प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं निकाल पाए तो आपको सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 के हिसाब से निकलना है। मतलब सेम जैसे अपना 12 में ही था, तो ये जनरल प्रोविजन है, जनरल प्रोविजन मतलब जहां पे स्पेसिफिक प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे वहां पे आपको जनरल प्रोविजन के हिसाब से प्लेस ऑफ सप्लाई निकालना है। तो सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 के हिसाब से अपना प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, अगर किसी को भी आपने सर्विसेज प्रोवाइड किया है तो उसका आपके पास एड्रेस अवेलेबल होना चाहिए। तो अगर एड्रेस अवेलेबल है तो लोकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एड्रेस जो अवेलेबल है उसके हिसाब से लेंगे। जैसे एग्जाम्पल मान लो फॉर सपोज मेरे यूएसए में भी क्लाइंट है, तो मैंने यूएस क्लाइंट को सर्विसेज प्रोवाइड की, तो वो यूएसए क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड की तो उसका मेरे पास एड्रेस अवेलेबल है या नहीं है। तो गवर्नमेंट बोलता है अगर एड्रेस अवेलेबल है तो प्रूफ करो कि बट अब ऐसे ये जो सर्विसेज आपने प्रोवाइड किया वो आउटसाइड इंडिया है। तो मैंने प्रूफ कर पाया कि मेरे पास देखो ये एड्रेस अवेलेबल है, ये पर्टिकुलर बंदे को मैंने यूएसए में सर्विसेज प्रोवाइड की थी, तो अगर ये प्रूफ कर पाए तो प्लेस ऑफ सप्लाई आपका वो एड्रेस होगा। मतलब दैट इज एनी बट मेरे एग्जांपल के हिसाब से यूएसए, मतलब उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा क्योंकि यूएसए मतलब नॉन टैक्सेबल टेरिटरी हो गया, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। लेकिन अगर मान लो मैं प्रूफ नहीं कर पाया, मैंने बोला नहीं पता नहीं ऐसे ही रैंडमली मैंने किसी को भी सर्विसेज दे दी और उसका मेरे पास एड्रेस नहीं है, तो गवर्नमेंट बोलता है यार फिर प्रूफ कैसे है कि आपने सर्विसेज प्रोवाइड की है वो आउटसाइड इंडिया ही है। तो अगर आपके पास एड्रेस अवेलेबल नहीं है तो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई होगा लोकेशन ऑफ सप्लायर, मतलब जहां से आपने सर्विसेज प्रोवाइड की वो आपका नॉर्मली प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। तो अगर एड्रेस अवेलेबल है तो अच्छी बात है, मतलब अपने अगर आउटसाइड इंडिया सर्विस प्रोवाइड की होगी तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। लेकिन अगर आप एड्रेस अवेलेबल नहीं है तो बाय डिफॉल्ट प्लेस ऑफ सप्लाई होगा आपका लोकेशन ऑफ सप्लायर, मतलब उसके ऊपर जीएसटी आ सकता है। तो ये जनरल प्रोविजन है, जनरल प्रोविजन जैसे मैंने कहा ये कभी आपको अप्लाई करना है जहां पे स्पेसिफिक प्रोविजंस सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 से लेके सेक्शन 13 सबसेक्शन 13 तक अगर स्पेसिफिक प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे तो आपको जनरल प्रोविजन पता लगाना है। फिर नेक्स्ट देखो सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 दैट इज एनी बट पॉस इन केस ऑफ सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म, मतलब ये आप बोल सकते हो कि परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज अगेन। तो परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज में नॉर्मली आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 के हिसाब से, तो अगर सर्विसेज इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स प्रोवाइडेड बाय रेसिपिएंट, मतलब अगर कोई भी पर्टिकुलर सर्विसेज प्रोवाइड किए जहाँ पे गुड्स फिजिकली अवेलेबल करवाना था तो वो केसेस में प्लेस ऑफ सप्लाई होगा लोकेशन वेयर सच सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म। अगर आप थियरी में देखोगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है अगर आपका कोई भी पर्टिकुलर गुड्स फिजिकली अवेलेबल करवाना चाहिए इन ऑर्डर टू प्रोवाइड दैट सर्विसेज तो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा लोकेशन वेयर सच सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म। और अगर मान लो फॉर सपोज आपने कोई इलेक्ट्रॉनिकली सर्विसेज प्रोवाइड की है तो वो केसेस में लोकेशन ऑफ गुड्स होगा। जैसे एग्जाम्पल मान लो फॉर सपोज मेरे पास लैम्बोर्गिनी कार है, लैम्बोर्गिनी कार है, तो लैम्बोर्गिनी कार में मान लो फॉर सपोज कुछ डिफेक्ट आया, तो जैसे ही डिफेक्ट आया तो मैंने फॉरेन में जहाँ से भी नॉर्मली असेंबल होता है कार, फॉरेन कार्स नॉर्मली मैन्युफैक्चर होता है, तो उनको कॉल किया, बोला कि नॉर्मली ऐसे ऐसे मेरे कार में डिफेक्ट है, तो उन्होंने कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं सर, हम लोग अपने टेक्नीशियंस वहाँ से भेजते हैं, वो लोग नॉर्मली देख लेंगे कि क्या प्रॉब्लम है उसके हिसाब से आपका रिपेयर्स हो जाएगा। तो उन्होंने फॉरेन से अब्रॉड से टेक्नीशियन यहाँ पे भेजे, तो मुझे बोला ना इसमें अगेन सर्विसेज परफॉर्म कहाँ पे हो रही है, इंडिया, तो इंडिया में परफॉर्म हो रही है तो बट अब ऐसे उसके ऊपर जीएसटी आएगा क्योंकि अल्टीमेटली इंडिया में परफॉर्म हो रही है तो इट्स अ टैक्सेबल टेरिटरी। लेकिन सपोज मान लो फॉरेन कार डीलर्स ने उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि एक काम करो सर आप कार शिपमेंट करवा दो यहाँ पे, हम लोग चेक करेंगे फिर उसके बाद में प्रॉब्लम रिजोल्व करके फिर से आपको कार डिलीवर किया जाएगा, तो मुझे बोला ना वो केसेस में ये जो कार के ऊपर सर्विसेज जो हो रही है मतलब रिपेयर सर्विस हो रही है वो कहाँ पे हो रही है, दैट इज आउटसाइड इंडिया। तो अगर आउटसाइड इंडिया हो रही है तो मतलब बट अब इट्स अ नॉन टैक्सेबल टेरिटरी तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। तो कोई भी पर्टिकुलर सर्विसेज अगर परफॉर्म कर रहे हो जहाँ पे वो पर्टिकुलर गुड्स मतलब मेरे एग्जाम्पल के हिसाब से कार फिजिकली अवेलेबल करवाना था तो वो केसेस में आपका प्लेस ऑफ सप्लाई होगा दैट इज बट लोकेशन ऑफ सच गुड्स। लेकिन अगर मान लो फॉर सपोज फिजिकली अवेलेबल करवाने की जरूरत नहीं थी तो वो केसेस में अगर मान लो फॉर सपोज ऐसा भी हो सकता है कि मान लो अभी जैसे ये एडवांस कार है, ये जो स्पोर्ट्स कार है लैम्बोर्गिनी और वो सब, तो उसमें उन्होंने बोल दिया सर कोई प्रॉब्लम नहीं आप अपना खाली चिप नंबर बताओ, मतलब सॉफ्टवेयर के बेस के थ्रू भी वो फॉरेन से ऑपरेट कर सकते, तो मान लो उन्होंने कहा कि सिर्फ आप सर अपना
जो कार परचेज किया था मॉडल नंबर और उसका आपका सॉफ्टवेयर का जो की नंबर है वो बता दो, हम लोग यहाँ से ऑनलाइन से ही कार आपका रिपेयर करवा देंगे। मतलब ऑनलाइन में जो भी पर्टिकुलर इश्यूज रहेंगे वो इश्यूज ऑनलाइन से सॉफ्टवेयर के थ्रू रिजॉल्व किए जाएंगे। तो ऐसे कुछ अगर होगा तो ये ऑनलाइन के हिसाब से है, तो ऑनलाइन के हिसाब से देखा जाएगा कि कार कहाँ पे खड़ी है, लोकेशन ऑफ गुड्स कहाँ पे। तो लोकेशन ऑफ गुड्स अगर इंडिया होगा तो जीएसटी आएगा, और लोकेशन ऑफ गुड्स अगर आउटसाइड इंडिया होगा तो जीएसटी नहीं आएगा। तो वेरी सिंपल प्रोविजन थे अगेन सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 क्लॉज ए। तो अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर गुड्स फिजिकली अवेलेबल करवाना हो इन ऑर्डर टू कैरी आउट दी परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज, तो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा प्लेस वेयर द सच सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म। लेकिन अगर मान लो ऑनलाइन मीन से ऐसे कोई सर्विसेज प्रोवाइड की है तो वो किस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा बेटा, दैट इज नॉट लोकेशन ऑफ गुड्स। तो दैट इज सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 क्लॉज ए। इसी के ऊपर क्वेश्चन करते हैं तो थोड़ा बहुत और क्लैरिटी आएगा। देखो बेटा इसके ऊपर ही क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 27। मिस्टर एक्स ऑफ न्यू दिल्ली इंपोर्ट्स अ मशीन फ्रॉम जर्मनी, जर्मनी से आपने कोई मशीन इंपोर्ट किया फॉर बीइंग इंस्टॉल इन हिज फैक्ट्री एट न्यू दिल्ली, उसके फैक्ट्री में इंस्टॉल करने के लिए न्यू दिल्ली में। टू इंस्टॉल सच मशीन मिस्टर टेक्स द सर्विसेज ऑफ एन इंजीनियर हु कम्स टू इंडिया फ्रॉम जर्मनी फॉर द स्पेसिफिक इंस्टॉलेशन। तो देखो इंस्टॉल करने के लिए वो फॉरेन से यहाँ पे आ रहा है, तो मतलब ये जो इंस्टॉलेशन सर्विसेज कहाँ पे हो रही है तुम लोग का, दैट इज ओनली बट इंडिया में, क्योंकि वो इंस्टॉलेशन कहाँ पे हो रहा है तुम लोग का, फैक्ट्री न्यू दिल्ली में हो रहा है। तो मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई भी बेटा क्या होगा, न्यू दिल्ली होगा, और लोकेशन ऑफ सप्लायर जर्मनी है, प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली है, तो वो हिसाब से ये इंटर स्टेट सप्लाई होगा, और इंटर स्टेट सप्लाई मतलब इसके ऊपर जीएसटी आएगा, दैट इज नॉट बट आईजीएसटी आएगा, क्योंकि बट अब ऐसे इंस्टॉलेशन इंडिया में हो रहा है तो सर्विसेज कंज्यूम इंडिया में हो रही है तो उसके ऊपर टैक्स आएगा। फिर नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 28 देखना बेटा। एक्स वाई जेड लिमिटेड हैदराबाद एक्सपोर्टेड मशीन टू अ कंपनी इन इंडोनेशिया, द मशीन स्टॉप्स फंक्शनिंग एंड दस इम्पोर्टेड बाय एक्स वाई जेड लिमिटेड। तो ज़रा मुझे बोला एक्स वाई जेड लिमिटेड और फ्री रिपेयर्स इन टर्म्स ऑफ द सेल कॉन्ट्रैक्ट। तो आपने मशीन एक्सपोर्ट किया है, एक्सपोर्ट करने के बाद वो जो रिपेयर्स एक्टिविटी हो रही है वो इंडोनेशिया में हो रही है, तो बोलो मुझे प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ पे होगा, इंडोनेशिया। तो प्लेस ऑफ सप्लाई इंडोनेशिया है, मतलब ये इंडिया के बाहर जा रहा है तुम लोग का, तो इट इज़ अ नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, तो उसके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगा सकती। तो अगर कोई भी पर्टिकुलर गुड्स के ऊपर जो काम हो रहा है वो इंडिया के अंदर हो रहा है तो उसके ऊपर जीएसटी आएगा, और अगर आउटसाइड इंडिया रिपेयर से ऐसा कोई सर्विस हो रही है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। सो सिंपल था ये, सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 हम लोग ने किया। फिर सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 क्लॉज बी, दैट इज नथिंग बट प्रेजेंस ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज, मतलब परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज। इफ यू रिमेंबर मैम लोग ने सेक्शन 12 में भी प्रोविजन किए थे, उसका कोड वर्ड है पीसी बॉयफ्रेंड एचआर। तो उसमें परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज में सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों भी फिजिकली अवेलेबल होना चाहिए। तो अगर ऐसे कोई परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस प्रोवाइड करते तो उसमें भी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या था, द प्लेस वेयर सच सर्विसेज एक्चुअली परफॉर्म, यहाँ पे भी सेम प्रोविजन है। तो इसको अगर सेपरेटली आपको कोई याद रखने की जरूरत नहीं है, तो अगर परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज कोई भी ली होगी तो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा प्लेस वेयर सच सर्विसेज एक्चुअली परफॉर्म। जैसे एग्जाम्पल मान लो फॉर सपोज कोई भी ऐश्वर्या राय ने कॉस्मेटिक सर्जरी ली, फॉरेन कोई नॉर्मली फॉरेन आर्टिस्ट है, फॉरेन नॉर्मली कॉस्मेटिक सर्जन है, उसको इंडिया में बुलाया गया और इंडिया में ये कॉस्मेटिक सर्जरी की सर्विसेज ली, तो जरा मुझे बोला सर्विसेज कहाँ पे परफॉर्म हो रही है, इंडिया, तो मतलब उसके ऊपर जीएसटी आएगा। लेकिन मान लो ये एक्टरेस अगर मान लो फॉरेन में गई और फॉरेन में सर्जरी करवाने के बाद इंडिया में आ रहा है, तो अगेन फॉरेन में सर्जरी किया तो सर्विसेज परफॉर्म कहाँ पे हुई बेटा, दैट इज आउटसाइड इंडिया, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। सो सिंपल प्रोविजन सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 क्लॉज बी के। जैसे इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 एक्ट्रेस का ही एग्जाम्पल है। फेमस एक्ट्रेस मान लो फॉर सपोज फेमस एक्ट्रेस दैट इज रेखा वेंट टू लंडन टू अवेल प्लास्टिक सर्जरी सर्विसेज फॉर हर नोज। तो सर्जरी कहाँ पे हो रही है बेटा, दैट इज लंडन, तो प्लेस ऑफ सप्लाई आपका लंडन होगा और उसके ऊपर कोई भी जीएसटी नहीं आएगा क्योंकि उसके लिए फॉरेन गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी। फिर नेक्स्ट वाला जो है दैट इज नथिंग बट सेक्शन 13 सबसेक्शन 4 जो है वो सेम अपना सेक्शन 12 जैसा ही है। जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड अगर कोई भी आपने सर्विसेज ली होगी तो उसके केसेस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या था बेटा, इफ यू रिमेंबर प्लेस ऑफ सप्लाई था प्लेस वेयर सच इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड, यहाँ पे भी सेम ही है। लेकिन उसमें सेक्शन 12 में और एक प्रोविजन था कि अगर प्रॉपर्टी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया है तो प्लेस ऑफ सप्लाई हम लोग लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट देखेंगे, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल मान लो फॉर सपोज दुबई का कोई एक पर्टिकुलर बड़ा किंग है, राजा शेख मान लो, तो उसके पैलेस की इंटीरियर डिजाइनिंग की सर्विसेज इंडिया का कोई इंटीरियर डिजाइनर प्रोवाइड कर रहा है, तो मुझे बोलना प्रॉपर्टी कहाँ पे लोकेटेड है, दुबई,
रेसिपिएंट भी कहां का है? दुबई। अगर सप्लायर रेसिपिएंट दोनों भी इंडिया के रहेंगे तो सेक्शन 12 के हिसाब से अगर प्रॉपर्टी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया रहेगा तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट देखते थे, बट यहां पे अपना जो रेसिपिएंट है वो आउटसाइड इंडिया का है तो इसके लिए सेक्शन 12 के प्रोविजन नहीं, सेक्शन 13 के हिसाब से आपको प्लेस ऑफ सप्लाई निकालना है। तो इसका प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगा कि नॉर्मली जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है सप्लायर वो बॉम्बे का है मान लो, लेकिन इमोल प्रॉपर्टी कहां पे लोकेटेड है तुम लोग का, दैट इज दुबई। तो अगेन दुबई मतलब नॉन टैक्सेबल टेरिटरी है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। लेकिन मान लो इंडिया में, मान लो सलमान खान ने अपने बंगलों के लिए, फार्म हाउस जो है पनवेल में, उसके थोड़े बहुत इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए किसी फॉरेन से, मान लो फॉर सपोज सर्विसेज लिए, किसी फॉरेन आर्किटेक्ट से सर्विसेज लिए, तो अगेन फॉरेन आर्किटेक्ट से सर्विस लेगी लेकिन सर्विसेज कंज्यूम कहाँ पे हो रही है, इंडिया, तो उसके ऊपर जीएसटी आएगा। तो अगर इमोल प्रॉपर्टी रिलेटेड है तो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा बेटा, दैट इज प्लेस वेयर द सच सर्विसेज, सच प्रॉपर्टी इज लोकेटेड। तो ये सेम ही है, इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखना बेटा, मिस्टर एक्स आर्किटेक्ट ऑफ न्यू दिल्ली provides professional services to Mr. Y of New York. Mr. X, architect of New Delhi, provides professional services to Mr. Y of New York in relation to his immobile property located in Pune. तो देखो, X New Delhi का है, Y New York का है, मतलब एक बंदा इंडिया का है, एक बंदा आउटसाइड इंडिया का है, तो provision of section 13 लगेंगे, section 12 नहीं लगेंगे। और इन रिलेशन टू हिज इमोल प्रॉपर्टी कहाँ पे लोकेटेड है, पुणे। तो मैंने कहा था कि इन केस ऑफ इमोल प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई भी सर्विस होगा तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, दैट इज द प्लेस वेयर द सच प्रॉपर्टी इज लोकेटेड। तो इसमें प्रॉपर्टी कहाँ पे लोकेटेड बेटा, पुणे, तो पुणे, और लोकेशन ऑफ सप्लायर जो है, दैट इज आर्किटेक्ट जो है वो दिल्ली का है, तो दिल्ली और पुणे मतलब ये इंटरस्टेट सप्लाई होगा और इसके ऊपर बेटा क्या चार्ज होगा, आईजीएसटी चार्ज होगा। सो इमोल प्रॉपर्टी जहां पे भी लोकेटेड रहेगा वो तुम लोग का प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, भले फिर वो प्रॉपर्टी आपका इंडिया में लोकेटेड हो या आउटसाइड इंडिया में हो। इंडिया में लोकेटेड होगा तो जीएसटी आएगा, और अगर आउटसाइड इंडिया में लोकेटेड होगा तो जीएसटी नहीं आएगा क्योंकि वो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में। फिर नेक्स्ट, इवेंट ऑर्गेनाइजिंग सर्विसेज, ये भी अगेन सेम है बेटा, दैट इज सेक्शन 12 में हम लोग ने पढ़ा था। इवेंट ऑर्गेनाइजिंग सर्विसेज में जैसे मैंने आईपीएल या ऐसे कुछ आप इवेंट ऑर्गेनाइजिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, तो मान लो फैशन शो ऑर्गेनाइज हो रहा है तो फैशन शो ऑर्गेनाइज करने के लिए आपने कोई सर्विसेज दी तो वो किसमें प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, द प्लेस वेयर द सच इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड। तो जहां पे इवेंट हो रहा है वो आपका बाय डिफॉल्ट प्लेस ऑफ सप्लाई मान जाएगा। तो इसको यहाँ पे लिख देना सेम एज सेक्शन 12 ओनली, क्योंकि बाहर से फिर से आपको रिपीटेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितने भी कॉमन क्लॉजेस रहेंगे वहां पे मैं बता दूंगा तो आपको फिर से रिपीटेशन करने की जरूरत नहीं है। फिर उसके ऊपर क्वेश्चन देखना बेटा, एक क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 31। अ सर्कस टीम फ्रॉम रशिया ऑर्गेनाइज सर्कस इन न्यू दिल्ली। तो देखो, ऑर्गेनाइजिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, अगेन इवेंट कहाँ पे होने वाला तुम लोग का, न्यू दिल्ली। तो अगेन रशिया के सर्कस टीम नॉर्मली यहाँ पे आके इवेंट ऑर्गेनाइज करिए न्यू दिल्ली, तो अगेन ये इवेंट ऑर्गेनाइज सर्विसेज है और इवेंट होने वाला कहाँ पे, न्यू दिल्ली, तो प्लेस ऑफ सप्लाई न्यू दिल्ली होगा और रशिया लोकेशन ऑफ सप्लायर है, तो अगेन आउटसाइड इंडिया, इंडिया में सर्विसेज कंज्यूम हो रही है तो जीएसटी आएगा और आईजीएसटी आएगा बेटा, हमेशा याद रखना आईजीएसटी आएगा। फिर नेक्स्ट वाला जो है, दैट इज नथिंग बट सेक्शन 13 सबसेक्शन 6, सेक्शन 13 सबसेक्शन 6, दैट इज नथिंग बट सर्विसेज प्रोवाइडेड मोर देन वन लोकेशन। मतलब अगर कोई भी पर्टिकुलर सर्विसेज आपने, मतलब सेक्शन 13 सबसेक्शन 3, सेक्शन 13 सबसेक्शन 4 या सेक्शन 13 सबसेक्शन 5, अभी जो हम लोग ने पढ़े सेक्शंस, वो अगर मोर देन वन लोकेशन से प्रोवाइड किया रहेगा तो अगेन अमाउंट आपको अपोर्शन करना पड़ेगा। नाउ एट टीवाई लेवल इतने डिटेल में आपको नॉर्मली क्वेश्चन नहीं आएगा तो ये सेक्शन आप स्किप कर सकते हो, सेक्शन 13 सबसेक्शन 6, बट सिर्फ नॉलेज पर्पज के लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर मान लो आपने सर्विसेज प्रोवाइड किया मोर देन वन लोकेशन इंक्लूडिंग टैक्सेबल टेरिटरी तो वो केसेस में बट ऑफिस उसके ऊपर जीएसटी आएगा। और जैसे इफ यू रिमेंबर हम लोग ने सेक्शन 12 सेक्शन 14 किया था होर्डिंग्स का, मतलब नंबर ऑफ स्टेट में वो जो जितने नंबर ऑफ होर्डिंग्स रहेंगे उसके हिसाब से अपोर्शन करेंगे, तो वैसे यहाँ पे भी नंबर ऑफ डेज या नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एम्प्लॉय कर रहे हो कोई पर्टिकुलर काम के लिए तो कोई रीजनेबल बेसिस के ऊपर उनको अपोर्शन करना पड़ेगा। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इतना रेलेवेंट नहीं होगा, इसको रीड एक बार खाली रीड करके छोड़ देना, इतना डिटेल में मत जाना उसमें। फिर नेक्स्ट देखना बेटा, सेक्शन 13 सबसेक्शन 8, दैट इज नथिंग बट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इंटरमीडिएट सर्विसेज। तो अगर कोई भी पर्टिकुलर इंटरमीडिएट सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हो तो वो केसेस में आपका प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, दैट इज नथिंग बट लोकेशन ऑफ सप्लाई, मतलब जहां से आपको सर्विसेज प्रोवाइड की गई है। जैसे मान लो फॉर सपोज मेरा फॉरेन बैंक में अकाउंट है, मेरा मान लो फॉर सपोज स्विस बैंक में अकाउंट है वहां पे फॉरेन में, तो वो केसेस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, दैट इज नथिंग बट लोकेशन ऑफ सप्लायर। तो लोकेशन ऑफ सप्लायर मतलब फॉरेन बैंक, दैट इज स्विस बैंक,
तो फिर जीएसटी नहीं आएगा. लेकिन अगर मान लो किसी नॉन रेसिडेंट का इंडिया के किसी बैंक में अकाउंट है, मान लो नॉन रेसिडेंट का इंडियन स्टेट बैंक में अकाउंट है, तो अगेन बैंक कहाँ पे लोकेटेड है? इंडिया में, तो उसके ऊपर जीएसटी आएगा. तो आपको सिंपली ये देखना है कि बैंक कहाँ पे लोकेटेड है. अगर बैंक इंडिया में लोकेटेड है तो जीएसटी आएगा, अगर बैंक आउटसाइड इंडिया है तो जीएसटी नहीं आएगा. तो दैट इज प्रोविजन ऑफ सेक्शन 13 सबसेक्शन 8. जैसे इसके ऊपर एक एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 32 देखना बेटा. दैट इज मिस्टर एक्स अ फॉरेन टूरिस्ट ऑन विजिट टू वाराणसी दैट इज यूपी यूजेस हिज इंटरनेशनल डेबिट कार्ड to withdraw money from an ATM of a local bank registered in UP. तो जरा मुझे लोकल बैंक से आपने पैसा विड्रॉ किया है तो ये केसेस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? दैट इज नहीं बट वाराणसी. नो डाउट फॉरेन रेसिडेंट है लेकिन कार्ड यूज कहाँ पे हुआ है? दैट इज इंडिया, दैट इज वाराणसी में यूज हुआ है. तो प्लेस ऑफ सप्लाई आपका वाराणसी होगा और उसके ऊपर बेटा जीएसटी आएगा. फिर नेक्स्ट वाला जो प्रोविजन है दैट इज सेक्शन 13 सबसेक्शन 9 10 एंड 11. बेटा ये प्रोविजन जो है दैट इज नहीं बट सेक्शन 39 जो है अपना दैट इज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का है. अपना ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का इफ यू रिमेंबर सेक्शन 12 के इसमें प्रोविजन में कैसे था कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन को प्रोवाइड कर रहे हो तो लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन लेंगे, और अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को प्रोवाइड कर रहे हो तो फिर वो केसेस में प्लेस ऑफ सप्लाई था जहां पे गुड्स हैंड ओवर हुए. बट अगेन सेक्शन 13 में मान लो फॉर सपोज फॉरेन वेसल में मैं यहां से गुड्स एक्सपोर्ट कर रहा हूं यूएसए जा रहे हैं, तो डेस्टिनेशन कहां पे बेटा? यूएसए. तो डेस्टिनेशन यूएसए मतलब बट आप इसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा. लेकिन अगर फॉरेन से गुड्स इंडिया में आ रहे हैं तो वो गुड्स का डेस्टिनेशन कहां पे? इंडिया, तो उसके ऊपर जीएसटी आएगा. तो ये एक्सट्रीमली अपोजिट है सेक्शन 12 से. सेक्शन 12 में हम लोग देखते थे गुड्स हैंडओवर कहां पे हुए, मतलब आपका जर्नी स्टार्ट कहां से हुआ. लेकिन सेक्शन 13 में हम लोग जर्नी स्टार्ट नहीं, हम लोग देखते हैं कि जर्नी टर्मिनेट कहां पे हुआ, फाइनली गुड्स डेस्टिनेशन कहां पे जाने वाला, उसके हिसाब से आपका प्लेस ऑफ सप्लाई डिसाइड होगा. दैट इज सेक्शन 39 है. फिर सेक्शन 13-10 एंड सेक्शन 13-11 सेम आपके सेक्शन 12 जैसे ही है. जैसे सेक्शन 13-10 जो है पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, तो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के केसेस में जहां पे पैसेंजर्स एम्बार्क हुए वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, सेम एज लाइक सेक्शन 12 ओनली. और सेक्शन 13 सबसेक्शन 11 में दैट इज सर्विसेज कोई भी अगर बोर्ड पे प्रोवाइड किया रहेगा तो अगेन वो केसेस में प्लेस ऑफ सप्लाई होगा जहां पे पैसेंजर्स का फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर स्टार्ट हुआ, मतलब कहां से ओरिजिनल जर्नी आपका स्टार्ट हुआ, तो वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई होगा. जैसे एग्जांपल मान लो दुबई से फ्लाइट आ रही है तो दुबई से लेके दिल्ली, दिल्ली से मुंबई, तो पैसेंजर्स एम्बार्क कहां पे हुए रहेंगे वो पर्टिकुलर कन्वेंस के ऊपर, दैट इज दुबई. तो दुबई विच नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, जीएसटी नहीं आएगा. तो ये भी आपका सेम था एज सेक्शन 12. फिर नेक्स्ट वाला अगर सेक्शन में देखो दैट इज नथिंग बट सेक्शन 13 सबसेक्शन 12 दैट इज नथिंग बट ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन सर्विसेज है ये, जिसको शॉर्ट में हम लोग OIDR सर्विसेज बोलते हैं, दैट इज ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विसेज. जैसे क्लाउड सर्विस बोलते हैं, क्लाउड सर्विसेज. तो क्लाउड सर्विसेज जैसे आपने आई क्लाउड देखा रहेगा, एप्पल का क्लाउड है अपना, गूगल क्लाउड है, जहां पे ऑनलाइन डेटा क्लाउड के ऊपर स्टोर होता है. तो वो केसेस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? इन सब के केसेस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? तो गवर्नमेंट ने कहा प्लेस ऑफ सप्लाई के केसेस में लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट जो होगा वो आपका बाय डिफॉल्ट प्लेस ऑफ सप्लाई होगा. मतलब मान लो फॉर सपोज इंडिया वालों ने कुछ डेटा स्टोर कर रहे हैं, कहां पे स्टोर कर रहे हैं तुम लोग का, मान लो एप्पल क्लाउड के ऊपर स्टोर कर रहे हैं, तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट जो है वो इंडिया के है, मतलब जीएसटी आएगा. लेकिन अगर मान लो फॉर सपोज फॉरेन वाले जो नॉर्मली अपने इंडिया के किसी पर्टिकुलर क्लाउड के ऊपर अगर डेटा स्टोर कर रहे हैं, तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट आउटसाइड इंडिया फॉरेन वाले, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा. सो ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विसेज, मतलब आपका कोई पर्टिकुलर ऑनलाइन गेम वाले सर्विस हो गए, या तो फिर ऑनलाइन आप मैगजीन्स पढ़ते हो वो सर्विस हो गए, ऑनलाइन नॉर्मली यूट्यूब के ऊपर एडवर्टाइज आते हैं, या तो फिर गूगल सर्च इंजन के ऊपर एडवर्टाइज आते हैं, तो ये सब में केसेस में आपका प्लेस ऑफ सप्लाई होगा लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट. एक बार रीड कर लेना बेटा, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगता मुझे. और अदर लास्ट सेक्शन रखा है कि मतलब सेक्शन 13-13 में और कुछ अगर रहेंगे तो गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकते हैं, मतलब अभी जो कवर नहीं होगा और फ्यूचर में इसके रिलेटेड और प्रोविजंस गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकते हैं. तो मुझे मेरे एग्जांपल के हिसाब से ज़्यादा करके इंपॉर्टेंट सेक्शन 13 में सिर्फ और सिर्फ इमोल प्रॉपर्टी और नॉर्मली परफॉर्मेंस इवेंट परफॉर्मेंस बेस्ड वाला सर्विसेज वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, वो अच्छे से पढ़ लेना आप. बाकी सब सर्विसेज थोड़े बहुत ओवरलैपिंग हो रहे हैं, सेक्शन 13 इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके वजह से मैंने थोड़ा सा फास्ट एक्सप्लेन किया आपको. बट सेक्शन 12 आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, उसको आपको अच्छे से पढ़ना है. सो दैट इज ऑल अबाउट चैप्टर प्लेस ऑफ सप्लाई बेटा. आई रियली होप आपको प्लेस ऑफ सप्लाई
एंड अदर रिमेनिंग चैप्टर्स ऑफ जीएसटी भी बहुत अच्छे से समझ में आगे रहेंगे. सो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप हमारे वेबसाइट पे विजिट करके आपको क्वेरी शूट अप कर सकते हो. अगेन आई रियली होप आपको ये जीएसटी का कोर्स बहुत अच्छे से समझ में आ गया रहेगा. लास्ट सेक्शंस जो हम लोग ने सेशन 13 पढ़े थे बेटा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे. सेशन 12 हम लोग ने पढ़ा था, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है. सेशन 12 में हम लोग ने छोटे बहुत ऐसे इलस्ट्रेशन देखे थे, बट एग्जाम में उसके छोटे केस स्टडीज ही आपको पूछेंगे. तो नो डाउट हम लोग ने फुल फ्लेज सम सॉल्व नहीं किया, क्योंकि ऐसे कोई फुल फ्लेज सम नहीं होते सेशन 12 के ऊपर. तो प्लेस ऑफ सप्लाई के जो हम लोग ने क्वेश्चंस क्लासेस में किए थे वो वैसे ही क्लेसेस मतलब केस स्टडी के बेसिस के ऊपर आपको पूछा जाएगा. तो अगर क्वेश्चन पूछा आपको तो पहले उसका प्रोविजंस देखना है, फिर उसके बाद में नॉर्मली जो वो चार पॉइंट हम लोग लिखते हैं, दैट इज नीबट लोकेशन ऑफ सप्लायर, प्लेस ऑफ सप्लाई, नेचर ऑफ टैक्स और कौन सा टैक्स चार्ज होगा. तो वो नॉर्मली आपको ये चार पॉइंट्स लिखने रहते हैं. फिर उसके बाद में अगर आप कोई और अलग अलग बुक अगर ऑथर्स के अगर प्रीफर करते हो तो उसमें आपको चैप्टर डेफिनेशन और एक नॉर्मली कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी वाला सेपरेट से चैप्टर मिलेगा. बट अगेन ये जो पर्टिकुलर चैप्टर्स है वो हम लोग रिस्पेक्टिव थियरी जब भी कवर किया था, जैसे हम लोग ने एग्जेम्पशन पढ़ा था तो एग्जेम्पशन के टाइम पे ही उसके सम्स किए थे. वैसे सेम में हम लोग ने जब भी ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर पढ़ा था तभी उसके ITC के सम किए थे. तो माइट भी अलग ऑथर में आपको नॉर्मली ये पर्टिकुलर चैप्टर सेपरेट मिल सकता है, लेकिन हम लोग ने उसको सेपरेट नहीं, वो रिस्पेक्टिव थियरी में ही हम लोग ने वो चैप्टर्स कवर किया था. So with this information, we will wind up this video. Very all the very best for your exam. Keep in touch, beta. Very all the best. Thank you, friends.